और इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, राइट। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग डरते हैं अपने फेस के ऊपर प्रोडक्ट लगाने से, बट स्किन फॉर्मुला 9 आप यूज कर सकते हैं बिकॉज आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये आप जरूर नोट कीजिएगा। और जब भी आप किसी को सजेस्ट करते हैं स्किन फॉर्मुला 9, तो आप उन्हें ये जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इसे जब आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्किन केयर का जो ब्रांड है वो काफी अच्छे से प्रमोट होगा आपकी टीम में। क्योंकि आपको पता है मार्केट में 70-80% स्किन केयर का बिजनेस बहुत ही ज्यादा है, और मार्केट में अगर हम बात करें तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं, जो मार्केट के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम अलग अलग ब्रांड की बात करें, तो मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे नाम शेयर नहीं करना चाहूंगी, तो मार्केट में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट के ऊपर भागते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा स्किन केयर की नीड होती है। उनको ये पता होता है कि अगर हमारी स्किन अच्छी होगी तो हमारा मेकअप भी अच्छा होगा, तो उसके बाद वो मेकअप की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो स्किन केयर की तरफ ही जाते हैं। तो उस बीच में अगर आप अपने स्किन फॉर्मुला 9 को लाते हो मार्केट में, तो आपका स्किन फॉर्मुला 9 काफी अच्छे से वर्क करेगा। बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें स्किन फॉर्मुला 9 काफी अच्छी मदद कर सकता है आपके लिए, क्योंकि मार्केट में स्किन केयर का सबसे ज्यादा बिजनेस है। और उस बीच में अगर आप स्किन फॉर्मुला 9 को लेकर आते हो, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड होगा, क्योंकि स्किन फॉर्मुला 9 सबसे पहली चीज ये है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इनका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। और दूसरी बात ये क्लेम बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव एडिड नहीं है हार्मफुल वाले, जो आपकी स्किन को डैमेज करे। एंड दूसरी चीज ये कि ये इनकी जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छी है, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक चीज इसमें परफेक्ट है। तो आप अगर इस ब्रांड को दुनिया के सामने लेकर आते हो, प्रमोट करते हो, तो आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो। अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, एक छोटी छोटी वीडियोस बना के आप शेयर कर सकते हो, लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। बट जब आप किसी ब्रांड के बारे में बताने जाते हो, तो मेक श्योर आप उसके फीचर्स जरूर बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब आप सप्लीमेंट्स की बात करते हो, तो आप डिटेलिंग में बात करते हो कि सप्लीमेंट्स में क्या क्या है, ये किस बेस पे काम करेगा, राइट। तो उसी बेस पे आपको मिस्ट्रल ऑफ मिलान और स्किन फॉर्मुला 9 के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं किस बेस पे ये काम करते हैं। दैट्स व्हाई आज मैंने एक टॉपिक लेकर आई आप लोगों के सामने, कि आपके सामने कोई पर्सन आता है, अगर वो कहता है कि मेरे फेस पे झाइयां हो रही हैं, मेरे फेस डल हो रहा है, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो आप उन्हें क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी बेस पे आज हमने ये सेशन रखा है कि आपको मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताऊंगी कि जिस बेस पे आप उन्हें ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग को आप ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि नेक्स्ट आपके सामने कोई पर्सन आता है तो आपको उन्हें सजेशन कैसे देना है। और उसके साथ साथ जब आप स्किन फॉर्मुला 9 के बारे में बताते हो, तो यूएसपी बताना ना भूलें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द यूएसपी, बिकॉज अगर आप यूएसपी शेयर नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो एक ट्रस्ट है वो नहीं बिल्ड कर पाएगा, राइट। जो आपको प्रोडक्ट बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड करना है प्रोडक्ट के प्रति, तो वो आपको यूएसपी बताकर ही होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्किन केयर के ब्रांड आते हैं, लोग वहां पे स्विच करने में 2 मिनट लगाएंगे। बट उस बेस पे जब आप अपने यूएसपी सामने रखते हो स्किन फॉर्मुला 9 के, तो आपके प्रोडक्ट को लोग ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हम डिटेलिंग में जब बात करते हैं तो इन प्रोडक्ट्स की जो इंग्रेडिएंट्स है काफी बेहतरीन है, राइट। तो आप लोग अगर इस स्क्रीन की पिक्चर भी लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आगे के लिए, राइट। ओके, सो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे यूएसपी क्या है, जिसका बताना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिगमेंटेशन के लिए। ओके, सो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी पिगमेंटेशन, ठीक है। एक सेकेंड,
ओके आई होप सो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को. ओके तो पिगमेंटेशन होता क्या है? पिगमेंटेशन होता है झाइयां. झाइयां जो कई लोगों के चेहरे पे आप लोग देखते हो, कई लोगों के चिक्स के पास होती है, नोज के पास होती है और फॉरहेड पे होती है. इस टाइप का पैचेस हो जाते हैं, इस टाइप का डार्कनेस आ जाता है आपके फेस के ऊपर. आप मेल या फीमेल दोनों के फेस के ऊपर देखोगे ये प्रॉब्लम. पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट, डार्क पैचेस, फ्रैकल्स, एज स्पॉट. डार्क पैचेस मतलब डार्कनेस आ जाना, पैच पड़ जाना इस टाइप का. फ्रैकल्स क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फेस के ऊपर ब्राउन कलर के तिल होते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेकल्स. तो ये फ्रेकल्स जो होते हैं बहुत सारे लोगों के फेस पे देखने को मिलते हैं. तो कई लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान भी रहते हैं कि हम क्या यूज करें कि हमारे जो फ्रेकल्स हैं वो ठीक हो जाएं. एंड एज स्पॉट, एज स्पॉट मतलब राउंड कलर के जो राउंड शेप में आप देखोगे फेस के ऊपर स्पॉट्स हो जाते हैं. वो स्पॉट्स होने का कारण क्या होता है? आपकी पुरानी कोई एक्ने की प्रॉब्लम चल रही है तो उस बेस पे वो आपके फेस के ऊपर स्पॉट कर जाते हैं जिसको बोलते हैं एज रिलेटेड स्पॉट, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कारण क्या होता है पिगमेंटेशन का, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पिगमेंटेशन का कारण क्या है, राइट? सबसे पहली चीज ये कि जब आप लोग सन प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं या फिर आप ज्यादा देर गर्मी वाली जगह पे खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से ये इश्यूज हो जाता है. या आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका खाना पीना सही नहीं है, आप ढंग से कुछ खाते नहीं हो, डाइट अच्छा नहीं है, पानी ज्यादा नहीं पीते हो, तो उसकी बेस पे भी ये हो जाता है. हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है तो उसकी वजह से भी हो जाता है. या फिर आपके कोई पुराने एक्ने की प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से भी हो जाता है. और पिगमेंटेशन जैसे किसी को जेनेटिक है, जेनेटिक मतलब किसी को किसी के फैमिली में पहले से चलती आ रही है तो उसको भी ये प्रॉब्लम फिर आगे चलती रहती है, मतलब जेनरेशन के थ्रू जेनेटिक बोलते हैं उसको. तो किसी को अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम तब भी हो जाती है, ठीक है? तो इस केस में हमें अपने पिगमेंटेशन को, झाइयों को कैसे ठीक करना चाहिए? तो पिगमेंटेशन और झाइयों को ठीक करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है हमारे स्किन फॉर्मुला 9 में, जिसका नाम है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट. ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके झाइयों को दूर करने में बहुत मदद करता है, आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है. तो चलिए जानते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट में ऐसी क्या खासियत है. सबसे पहली चीज ये, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने में मदद करता है, आपके डल स्किन को अच्छा करने में मदद करता है, डलनेस को दूर करने में हेल्प करता है. आपके फेस के ऊपर जो अनइवन टोन हो जाता है, अनइवन मतलब आपका फोरहेड एरिया डार्क है, आपका चिक्स एरिया लाइट है, आपका चिन एरिया डार्क है, माउथ एरिया डार्क है, तो इसको बोलते हैं अनइवन. अनइवन को इवन टोन करने में मदद करता है, आपके ब्लेमिशेस और एज स्पॉट हो जाते हैं उनको दूर करने में मदद करता है. अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो ये एक मल्टी एक्शन फॉर्मूला है जो आपके स्पॉट्स को लाइट करने में मदद करता है, आपकी स्किन को क्लेरिफाई करके आपकी स्किन को फ्लॉलेस इवन कॉम्प्लेक्शन बनाता है, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके फ्री रेडिकल से फाइट करता है. आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स का मतलब ये होता है कि जो आपके आसपास जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियास, वो आपके स्किन को डैमेज कर देते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते. वो ऐसे बैक्टीरियास होते हैं. ये मोस्टली बैक्टीरियास निकलते कहाँ से हैं? आपके आपने देखा होगा कि जब सूरज की किरणें आती हैं उनके अंदर व्हाइट कलर के कोटन टाइप्स कुछ दिखते हैं हमें, राइट?
उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, जो वो बैक्टीरियाज होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, जब वो पड़ते हैं तो हमारी स्किन को वो डैमेज कर देते हैं। कई लोग बड़े अच्छे से धूप में बैठ के धूप लेते हैं, लेकिन जब आप धूप में बैठते हो ना, तो अपना सन प्रोटेक्शन लगा के जरूर बैठें, बिकॉज धूप से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनके अंदर ही फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, राइट? तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। और फ्री रेडिकल्स आपके आसपास इन्वायरमेंट में भी होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। तो दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, राइट? तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट है आपके फ्री रेडिकल से भी फाइट करता है, यानी कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देता, बचाता है फ्री रेडिकल से। चलिए बात करते हैं हमारे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अमेजिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर है क्लैरी प्योर स्टेम सेल ब्लेंड। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट माना जाता है जो आपके स्किन के सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके जो स्किन का मेलानिन होता है उसको डिक्रीज करता है। आपके स्किन का जो मेलानिन होता है, मेलानिन मतलब आपके स्किन का कलर डिफाइन करना। आपने बहुत सारे साउथ अफ्रीका के लोगों को देखा होगा, साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनका कलर कितना डार्क होता है, डस्की होता है, यानी कि उनके स्किन का जो मेलानिन होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो कलर है डार्क हो जाता है। और जो फॉरेनर्स होते हैं उनका स्किन का कलर बहुत ज्यादा लाइट होता है, राइट? बहुत ज्यादा गोरे होते हैं ना वो, तो उनका जो स्किन का मेलानिन होता है वो बहुत ज्यादा लाइट होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है। और हमारे इंडियन स्किन टोन की अगर हम बात करें, तो हमारे इंडियन का जो स्किन है वो मीडियम होता है, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट। तो हमारे स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है वो बैलेंस होता है। तो आपने इंडिया में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कईयों के फेस के ऊपर स्किन में मेलानिन बड़ा होता है तो कईयों का लाइट होता है, कईयों का फोरहेड डार्क होता है तो मतलब वहां पे मेलानिन बड़ा हुआ है, कईयों का चेक्स एरिया लाइट होता है तो वहां पे मेलानिन कम होता है। आपको पता है मेलानिन को बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी होता है। मेलानिन का बढ़ना नहीं अच्छा होता, मेलानिन का कम होना वो भी अच्छा नहीं होता। तो मेलानिन का बैलेंस होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस बेस में हमारा जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अंदर है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। डेजी फ्लावर क्या काम करेगा? डेजी फ्लावर जो है वो आपके स्किन लाइटनिंग का काम करेगा। आपके फेस के ऊपर जो एज स्पॉट है, आपके फेस के ऊपर जो ब्राउन कलर के तिल है जिसको हम बोलते हैं फ्रिकल्स, उसको लाइट करने में ये मदद करता है, राइट? इसके अंदर है एसेंशियल नारसिस फ्लावर वैक्स। ये एक व्हाइट और येलो कलर का फ्लावर होता है जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट? तो ये क्या काम करेगा? आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिलैक्स करेगा, शांत करेगा, आपकी स्किन को बेनिफिट्स देता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहती है और स्किन को काम करता है, रिलैक्स करता है कि आपकी स्किन अच्छे से हेल्दी रहे। इसके अंदर है विटामिन B3। विटामिन B3 एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके मेलानिन को बैलेंस करके चलता है और आपके स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो अनइवन एरिया होता है फेस के ऊपर उसको इवन करने में मदद करता है, पिगमेंटेशन को लाइट भी करता है। तो मतलब जितनी भी पिगमेंटेशन से रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो, यानी कि जाइयों, उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है आपका ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, राइट? तो चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बो पैक आपको दिखाने वाली हूँ कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के साथ हम और क्या कॉम्बो पैक दे सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको कॉम्बो पैक दिखाने वाली हूँ। अब अगर आप किसी को ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हो, तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपको अकेले सजेस्ट नहीं करना है, उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट भी आपको सजेस्ट करने हैं, राइट?
अब जैसे कि मैंने ये कॉम्बो पैक बनाया था, तो इसमें आप देख सकते हैं डीप क्लींजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एंड SPF 15, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बो पैक के लिए काफी अच्छा है, यानी कि तीन प्रोडक्ट आप दोगे तो पिगमेंटेशन लाइट होने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम बात करेंगे हमारा कॉम्बो पैक में सबसे पहले जो है वो है डीप क्लींजिंग ऑयल, ठीक है। ओके, जो डीप क्लींजिंग ऑयल है वो क्या काम करता है? डीप क्लींजिंग जो है, डीप क्लींजिंग ऑयल आपका एज अ फेस वॉश का काम करता है। ये बेसिकली ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है। ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, राइट, ये आपके मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करके चलता है और आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। डीप क्लींजिंग ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो ये डीपली आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपके स्किन के अंदर सेकेंड लेयर पे जो मेकअप के पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो डस्ट रह जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो रह जाता है, उसको निकालने में ये मदद करता है। आपकी स्किन को हेल्दी एंड सॉफ्ट स्किन बनाते हैं। आपके फेस के ऊपर जो ओपन पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रोम छिद्र, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में ये मदद करता है। ये परफेक्ट क्लींजर माना जाता है फॉर ऑल स्किन टाइप। अगर मेल है, फीमेल है, वो लोग यूज कर सकते हैं डीप क्लींजिंग ऑयल। डीप क्लींजिंग ऑयल आपका एज अ फेस वॉश का काम करता है, राइट? तो ये आपका फेस वॉश का काम करेगा। जितने भी आपके स्किन के ऊपर टाइनिंग हो चुकी है, राइट, स्किन के ऊपर टैनिंग हो चुकी है, स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है, स्किन के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है डीप क्लींजिंग ऑयल। मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगी कि जब भी आप अपने फेस के लिए फेस वॉश यूज करते हैं तो हमेशा ऐसा फेस वॉश यूज करना चाहिए जो ऑयल बेस्ड हो, राइट? ऑयल बेस्ड जो फेस वॉश होते हैं वो आपकी स्किन को एक परफेक्ट क्लींजर देते हैं, आपकी स्किन को एक परफेक्ट स्किन बनाते हैं, आपके मॉइस्चर को बैलेंस करके चलते हैं। आप मार्केट के बहुत सारे फेस वॉश देखते होंगे, जब आप लेकर आते हो, यूज करते हो, तो वो झाग की तरह बन जाता है और उसको लगाने के बाद स्किन इतनी ज्यादा खिंचने लग जाती है, स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, राइट? तो इस टाइप के फेस वॉश आपको कभी यूज नहीं करनी चाहिए। इस टाइप के जो फेस वॉश होते हैं वो आपकी स्किन को, आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल भी होता है ना, उसको भी निकाल देते हैं, जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आपके लिए जो सबसे परफेक्ट क्लींजर माना जाता है, जिसका नाम है डीप क्लींजिंग ऑयल, जो आपके स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के साथ साथ आपके स्किन के अंदर जो सेकेंड लेयर होती है उसके अंदर वो डस्ट निकाल के फेंक देता है और आपकी स्किन को एक हेल्दी स्किन बनाता है और ड्राई बिल्कुल नहीं होने देता, क्योंकि आपके मॉइस्चर के लेवल को बैलेंस कर देता है वो। अगर मैं डीप क्लींजिंग ऑयल की बात करूं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, ठीक है। हमारी ना स्किन की लेयर्स होती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर को बोलते हैं डर्मिस एंड थर्ड लेयर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, राइट? तो हमारा जो डीप क्लींजिंग ऑयल है वो डर्मिस लेयर पे जाके काम करता है, जिसमें हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादातर वो डर्मिस लेयर से स्टार्ट होती हैं, राइट? तो डर्मिस लेयर पे जाके जितना भी डस्ट होता है उसको निकाल के फेंक देता है, जिससे कि आपकी स्किन सेकेंड लेयर तक जाकर क्लीन हो जाती है, ठीक है। तो डीप क्लींजिंग ऑयल बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है और इसको आप एज अ फेस वॉश की तरह सुबह शाम दोनों टाइम यूज करोगे। इसका यूज करने का तरीका क्या है? आपने ऑयल को हाथ पे लिया, उसके अंदर आपने फिल्टर पानी, फिल्टर वाटर मिक्स करना है, दो तीन ड्रॉप वाटर के डालने आपको, और जैसे ही आप ऑयल के अंदर उसको मिक्स करोगे तो वो लोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वो लोशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी लोशन को फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करना है 30 सेकेंड तक। जब आप 30 सेकेंड तक उसको मसाज करोगे, उसके बाद अगेन फिल्टर वाटर से उसको वॉश कर लेना, जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई और आपके मसाज भी हो गई, ठीक है। तो डीप क्लींजिंग ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1200 रुपये, PV आपको मिलेंगे 45, MRP है 1400, विच इज अ वेरी बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देखना है तो आप डीप क्लींजिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, राइट? तो डीप क्लींजिंग ऑयल के इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट?
इसके अंदर है एंडिडोबो ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल एंड बेरी कॉम्प्लेक्स। एंडिडोबो ऑयल क्या काम करेगा, स्किन हीलिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज के साथ होता है, आपकी स्किन को काम करने में हेल्प करता है। कैस्टर सीड ऑयल क्या काम करता है, आपके स्किन को प्योरीफाई करता है और अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होके आपके हाइड्रेशन को रिस्टोर करता है। स्वीट आलमंड ऑयल, जिसके अंदर मल्टी रिच ऑयल्स पाए जाते हैं, स्वीट आलमंड ऑयल क्या काम करता है, ये आपकी स्किन लाइटनिंग का काम करता है, जो टैनिंग हो जाती है उसको रिमूव करने में मदद करता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट करता है, नरिश करता है। बेरी कॉम्प्लेक्स क्या काम करेगा, ये आपके स्किन सेल्स में मॉइस्चर को स्ट्रॉन्ग कर देता है और हाइड्रेशन को रिस्टोर करता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपके स्किन क्लीनिंग के लिए परफेक्ट है। तो मेल एंड फीमेल, आज के बाद आप जो फेस वॉश यूज करोगे वो यूज करोगे स्किन फॉर्मुला 9, और एक बार यूज करके इसका फीडबैक आप खुद पे खुद ही आप देखना और मुझे बताना कि कैसा लगा आपको, क्योंकि इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद आपको क्या यूज करना है एज अ टोनर के लिए, तो एज अ टोनर के लिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट। हमारा स्किन फॉर्मुला 9 का रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट जो है वो आपके एज अ टोनर का काम करता है। आप उसको जब फेस के ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है, आपने जैसे स्प्रे किया उसको सेटल होने के लिए आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जैसे ही वो आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा उसके बाद अपना ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट काम क्या करता है, रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, आपको टोनिंग प्रॉपर्टीज के साथ दिया जाता है, आपकी स्किन को टोनिंग भी करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, रिफ्रेश करता है। तो आप इसको एज अ फेस वॉश करने के, आप इसको डीप क्लींजिंग ऑयल से फेस वॉश करने के बाद यूज कर सकते हैं एज अ टोनर। तो इसके इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर है डेमसिस रोज एक्सट्रैक्ट, जो एक फेमस बल्गेरियन रोज के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ये एक पिंक कलर का फ्लावर है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन में मॉइस्चर का बैलेंस बना के रखता है, आपकी स्किन को सूद एंड काम भी करता है, यानी कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है। इसके अंदर है सी वाटर, सी का वाटर लिया गया है इसके अंदर, जो सी के वाटर में सबसे ज्यादा स्किन हीलिंग मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ आपकी स्किन को सूद भी करते हैं। तो इसके अंदर सी वाटर आपको मिलता है, राइट। तो इसको यूज कैसे करना है, आप इसको डेली बेसिस पे आफ्टर फेस वॉश की तरह यूज करोगे, राइट। आपने फेस के थोड़ा सा फेस पे दूरी बनाते हुए स्प्रे करना है पूरे फेस पे, स्प्रे कर 2 पंप, पंप के साथ आप स्प्रे करोगे, जैसे आप 2 पंप करोगे वो अच्छे से स्प्रे हो जाएगा फेस के ऊपर और उसके बाद अच्छे से वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको लगाओगे ना तो इसकी फ्रेग्रेंस और इसका रिफ्रेश आपको जो फेस के ऊपर दिखेगा ना बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं आफ्टर द फेस वॉश एज अ टोनर, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ आपकी स्किन को टोनिंग भी करेगा, राइट। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 490, एमआरपी है 575, पीवी आपको मिलेंगे 16.33, राइट। एंड इसके साथ अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट के बाद आप हमारा स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं, राइट। स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम जिनकी स्किन ऑयली है आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है तो उनके लिए आप यूथ एलेक्सर सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आप यूज करेंगे हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, राइट। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 2200 रुपये है और पीवी आपको मिलेंगे 73.33। तो आप देख सकते हैं कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें आपको पीवी भी मिल रहे हैं और आपको बिजनेस करने का मौका भी मिल रहा है और आपको स्किन अच्छी भी मिल रही है, ठीक है। तो मार्केट में जितने भी स्किन केयर ब्रांड से आप प्रोडक्ट बाय करते हैं लेकिन उनके साथ आपको बिजनेस करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इन प्रोडक्ट के साथ आपको बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा और आपकी स्किन भी
अच्छी रहेगी। तो चलिए, ये तो मैंने एक कॉम्बो पैक बताया आपको कि डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोया, उसके बाद आपने रेडियंट ग्लो फेस मिस्क लगाया, और उसके बाद आप सीरम यूज कर सकते हैं या फिर यूथ एलिक्सर, और उसके बाद आप ब्राइटनिंग लगाओगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब आप डे में ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगा रहे हो तो उसके बाद सन प्रोटेक्शन लगाना ना भूलें। सन प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हमारा जो डेली रूटीन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सबसे पहले आपने क्लींजर किया डीप क्लींजिंग ऑयल से, आपने टोनर किया रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट से, उसके बाद आप हफ्ते में एक बार स्क्रब करा कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है स्क्रब करना। आपके फेस के ऊपर डेड स्किन होती है, उसको निकाल के अच्छे से आपकी स्किन हेल्दी रखता है। ट्रीटमेंट यानी कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो आप अपने पिगमेंटेशन के लिए यूज करोगे, उसको आपने एवरी डे ऑन टारगेट एरिया पे यूज करना है, और मॉइस्चराइज भी यूज करना है आपको। मॉइस्चराइज भी आप यूज कर सकते हो एवरी डे और नाइट दोनों टाइम, उसके बाद आप सन प्रोटेक्शन। तो डे में जब भी आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करोगे तो कैसे यूज करना है, डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोया, उसके बाद रेडियंट ग्लो फेस मिस्क लगाया, और उसके बाद आप सीरम यूज कर सकते हो। अगर ऑयली स्किन है तो विटामिन सी सीरम हमारे स्किन फॉर्मुला 9 में जो है, या फिर यूथ एलिक्सर, और उसके बाद आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करोगे। ठीक है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बाद आपको सन प्रोटेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं सन प्रोटेक्शन की बात करूं तो हमारे पास है एसपीएफ। एसपीएफ हमारे पास 3 तरह के हैं। ठीक है, तो हमारे जो 3 तरह के एसपीएफ है वो अलग अलग काम करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसपीएफ होता क्या है। एसपीएफ एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर है जो आपके स्किन को जलने से बचाता है यूवी रे से। आपको पता है सन से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो यूवी रेज होती हैं, हार्मफुल यूवी रेज जो आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो उस सिचुएशन में आपका एसपीएफ जो है आपको प्रोटेक्ट करता है स्किन की जो यूवी रेज निकलती हैं सन से, राइट? अब ये जो यूवी रेज होती हैं ये क्या कहाँ पे जाती हैं, ये जब यूवी रेज निकलती हैं आपकी स्किन को डर्मिस लेयर पे जाके डैमेज करती है। आपकी जो डर्मल लेयर होती है वहां पे ये यूवी रेज रीच करती है, और वहां पे जाने के बाद आपकी स्किन को ये डैमेज कर देती है। अगर आपने सन प्रोटेक्शन लगाया होगा तो आपकी जो यूवी रेज है, सूरज से निकलने वाली जो यूवी रेज है, वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगी जब आपने सन प्रोटेक्शन लगाया होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के सन प्रोटेक्शन है, एश्योर का SPF 30, एश्योर नेचुरल का SPF 15 एंड SPF 14। जो SPF 30 है वो क्या काम करता है, SPF 30 जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर, राइट? जैसे कि ये एक ऑयल फ्री फॉर्मूला है, ऑयल फ्री फॉर्मूला है जो आपके स्किन में काफी अच्छे से अब्जर्व हो जाता है, राइट? एंड आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है सूरज से निकलने वाली यूवी रे से, यूवी ए एंड यूवी बी, उससे आपको प्रोटेक्ट करके आपकी स्किन को बर्न होने से बचाता है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर है सनफ्लावर सीड ऑयल, येलो कलर का फ्लावर है जिसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स हैं, उसका ऑयल इसके अंदर है जो आपकी स्किन को नरिशमेंट होने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है, और आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होके आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और SPF 30 जो है वो आपको प्रोटेक्शन करता है यूवी रेस से, ठीक है, और आपके स्किन को जलने से बचाता है। तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं SPF 30। ठीक है, अब हम बात करते हैं SPF 15 के बारे में। SPF 15 एशो नेचुरल का, जिसके अंदर पैशन फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और सीड ऑयल है। पैशन फ्रूट, इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और SPF 15 क्या काम करेगा, आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन को काफी अच्छा प्रोटेक्शन देता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, और आपके जो डार्क स्पॉट होते हैं, जो एक्ने के स्कार्स होते हैं, उसको मिनिमाइज करता है और आपकी स्किन को ए रेडियंट स्किन प्रोवाइड करता है।
आपके अनइवन टोन को इवन टोन करता है, आपके पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। कई लोग चाहते हैं ना मेरे जो झाइयां हैं जल्द से जल्द रिकवर करें, तो आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के साथ SPF 15 यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका जो झाइयां हैं जल्दी ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। एंड आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाता है, सॉफ्ट स्किन बनाता है, और आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को यूथफुल स्किन देता है। तो अब हम बात करते हैं SPF 40 के बारे में। जो SPF 40 है वो क्या काम करता है? SPF 40 नॉन ग्रीसी है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को धूप की किरणों से बचाता है, जो आपकी स्किन में सनबर्न होने के चांसेस हो जाते हैं, जो टैनिंग हो जाती है उसको होने से बचाता है। और उसके साथ साथ अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर है मार्शमेलो एक्सट्रैक्ट और ऑलिव एक्सट्रैक्ट। तो मार्शमेलो एक्सट्रैक्ट जो है वो क्या काम करेगा? मार्शमेलो जो है, आपके अगर फेस के ऊपर इचिंग हो रही है, मतलब कई लोगों को आपने देखा होगा कि एलर्जी हो जाती है फेस के ऊपर, खुजली का होना, स्वेलिंग का होना, रेडनेस का आ जाना, तो उस बीच में आप उन्हें SPF 40 दे सकते हैं, जिसके अंदर मार्शमेलो है, आपकी इचिंग को, स्वेलिंग को, रेडनेस को दूर करने में मदद करता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करके आपकी स्किन को सूथ करता है। और इसके अंदर है मार्शमेलो रूट्स का प्लांट है इसके अंदर, जो काफी अच्छा हेल्प करता है आपके स्किन को सॉफ्ट करने में, फेस के ऊपर जो स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है, और आपके जो फेस के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब आपके फेस के ऊपर जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसको किल करने में ये मदद करता है, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। ठीक है, ऑलिव जो इसके अंदर आपको मिल रहा है, ऑलिव क्या काम करता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन डैमेज होने से बचाता है, आपके फेस के ऊपर जो रिंकल्स हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ड्राइनेस हो जाती है, उसको दूर करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये है SPF 30, SPF 15 और SPF 40। अब जो SPF 15 है, किसी के फेस के ऊपर अगर बहुत ज्यादा ऑयल है, आता है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है, तो आप उन्हें SPF 15 दे सकते हैं। सेम एज इट इज आप SPF 40 भी दे सकते हैं फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है, और नॉर्मल स्किन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप सन प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेकर अपने पूरे फेस पे लगाना है और अच्छे से मसाज करना है, जब तक वो आपके स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना SPF लगाने से फेस व्हाइट दिख रहा है, SPF लगाने से चिपचिपाहट हो रही है, SPF लगाने से स्किन ऑयली हो रही है या पिंपल्स आ रहे हैं, तो उसका कारण यही होता है कि आप SPF को अच्छे तरीके से नहीं लगा रहे हैं। SPF को लगाने के बाद अगर आप अच्छे तरीके से मसाज करेंगे तो आपके फेस के ऊपर वो अच्छे से पेनिट्रेट होने के साथ अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, और उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपने लगाना कैसे है? ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट सुबह शाम लगाना है आपको, आपने एज अ क्रीम की तरह उसको फेस पे यूज करना है, और उसके बाद आपने सन प्रोटेक्शन लगाना है। ठीक है, डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोया, आपने रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट से टोनर किया, उसके बाद आपने सीरम लगाना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं स्किन परमानेंट का, या फिर आप यूथ एलिक्सर लगा सकते हैं। उसके बाद आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाओगे और आप SPF लगाओगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप स्किन विटामिन सी सीरम यूज करना, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यूथ एलेक्सर आप यूज करना। ठीक है, अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। लेकिन अगर आप अपने झाइयों को दूर करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए। आपके झाइयों को दूर करने के साथ साथ आपके फेस के ऊपर एक इवन टोन और एक ब्राइटनेस लेकर आएगा, और आपके स्किन के ऊपर एक ग्लो भी लेकर आएगा। मतलब झाइयों को दूर करने के साथ साथ आपकी झुर्रियां भी ठीक हो रही हैं, फेस पे ग्लो भी आ रहा है और आपके
फेस के ऊपर जो डलनेस आ चुकी है वो ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट मैंने आज आपको सजेस्ट करे हैं, ये ओवरऑल आपको सारी चीजों में वर्क करने वाला है, ठीक है? तो इस चीज को आप जरूर बाय कीजिएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसको यूज कीजिएगा और रिजल्ट्स देखिएगा। आपको 3 मंथ्स में ही धीरे धीरे उसका रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो मैं यहाँ पे अपना नंबर भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। इफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप लोग मुझसे मैम मैम, करो। थैंक यू वेरी मच मैम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए। और अगर क्वेश्चन है तो मैं कुछ लीडर्स को अनम्यूट कर सकता हूँ मैम, एक दो लीडर्स, मेन जो लीडर्स हैं उनको। श्योर सर। गगन जी अनम्यूट कर लो एक बार। जुबेर अनम्यूट कर लो एक बार। निलोपल जी कोई क्वेश्चन? सर मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। श्वेता मैम एक क्वेश्चन कर रही है सर। श्वेता मैम, हाँ श्वेता मैम बताइए। अनम्यूट कर दिया मैम, मैंने आपको श्वेता मैम अनम्यूट कर दिया। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक इफ समबडी हैव एनी डॉट टाइप, एकदम बिल्कुल डॉट डॉट टाइप ऑफ फेसेस पर होते हैं, तो फेस पर होते हैं तो क्या सेम प्रोसीजर है मैम ने जो बताया? आई वाज जस्ट आस्किंग मैम। श्वेता मैम, ये जो आप डॉट्स बता रहे हो, ये एक्ने के डॉट्स हैं, किस टाइप के डॉट्स हैं? आई डोंट नो, ये मेरे फेस पर लगभग 2 साल से जो क्या है ना, बहुत छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं और दे मतलब कि कंटिन्यू वैसे ही रहते हैं, बढ़ते भी नहीं है और कम भी नहीं हो रहे। आई यूज्ड दिस ब्लैक कलर में है या ब्राउन? ब्राउन ब्राउन कलर, दैट इज कॉल्ड फ्रिकल्स। तो आपके फेस के ऊपर फ्रिकल्स हैं, तो उस बेस में आपका जो आज मैंने प्रोसेस बताया है, सेम प्रोसेस आप कीजिए, ये आपका फ्रिकल्स को रिड्यूस कर देगा जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज अ नाइस ट्रेनिंग बाय यू, एंड थैंक यू, बहुत कुछ जानने के लिए मिला। थैंक यू सो मच मैम। ओके, यहाँ पे एक नीरज कुमार जी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि आंखों के नीचे जो ब्लैक हो जाता है उसके लिए क्या करना है। आंखों के नीचे ब्लैक का होना मतलब डार्क सर्कल, तो उसके लिए आप अंडर आई सीरम यूज कर सकते हैं हमारे स्किन फॉर्मुला 9 का। रोज रात को आप अंडर आई सीरम आंखों के नीचे लगाइए तो आपके जो कालापन है वो दूर हो जाएगा। मैम एक सवाल आ रहा है कि जैसे हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन फॉर्मूला 9 का, तो क्या हम स्किन के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ये भी एक सवाल आ रहा था। सप्लीमेंट्स के लिए सर आप हमारे जो एएसएम है उनको सजेस्ट, उनसे आप ये सजेशन ले नीलोत्पल सकते हैं। ये नीलोत्पल जी, मैं समझ गया सर, मैं समझ डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट अलग है। समझ गया बट एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, थोड़ी बहुत ही मुझे भी नॉलेज है सप्लीमेंट्स की, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हेयर नेल स्किन आप कैप्सूल ले सकते हो, स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर फेस के ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए टॉक्स क्लीन आप दे सकते हो, ठीक है?
एंड उसके साथ अगर एक्ने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो नीम कैप्सूल या आंवला कैप्सूल दे सकते हो, बट हेयर नेल स्किन कैप्सूल जो है वो ओवरऑल वर्क करेगा, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हेयर्स के लिए भी और नेल्स के लिए भी। मैंने बोला था निलोत्पल जी, हीना मैम ज्ञान का भंडार है, देख लो आप, ठीक है ना? थैंक यू मैम, सही कहा सर, और जबरदस्त ट्रेनिंग रही सर, बहुत मजा आया। मैम नीतू मैम भी कुछ पूछ रही, नीतू मैम पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? जी मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। कल एक लेडीज से मिले, उनका चेहरा जो है ना सेंसिटिव टाइप से है, तो उनको बता रहे थे उनके लिए क्या करना चाहिए। उनका चेहरा सेंसिटिव है, ओके जी, सेंसिटिव है तो उसके बेस पे आप उन्हें डीप क्लींजिंग ऑयल दीजिए, चेहरा धोने के लिए प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। और सेंसिटिव स्किन है, स्किन कैसी ड्राई है, ऑयली है, ऑयली है मैम, ऑयली है, तो डीप क्लींजिंग ऑयल दे दीजिए चेहरा धोने के लिए जो मैंने आज बताया है। और उसके साथ आप उन्हें दे दीजिए हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और SPF, ये आप उन्हें डेली बेसिस पे दे दीजिए तो उनकी जो स्किन है अच्छी रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फेस के ऊपर। बट सेंसिटिव स्किन है तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सेंसिटिव स्किन पे यूज करने से हम लोग डरते हैं, तो ये प्रोडक्ट आप उन्हें दे सकते हैं। जैसे आपने डीप क्लींजिंग ऑयल के बारे में भी देखा ही होगा कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए है, सेंसिटिव स्किन वाले भी उसको यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये आप उन्हें सजेस्ट कीजिए। मैम एक इकबाल अंसारी का आया है एक्ने डॉट के लिए, एक्ने डॉट के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा ब्लेमिश जेल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल जहां जहां डॉट्स है मामा लगा के रात को सो जाओगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप फेस वॉश करोगे डीप क्लींजिंग ऑयल से, ठीक है? डीप क्लींजिंग ऑयल, रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और ब्लेमिश जेल, ये नाइट प्रोसेस है आपका, ठीक है? डे प्रोसेस में डीप क्लींजिंग ऑयल, रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और SPF। रौनक कुछ पूछना है आपने? सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे चोट लग जाती है अगर फेस पे, तो उसके बाद जो मार्क्स रह जाते हैं क्या उसके लिए कुछ है मैम हमारे पास? गुड मॉर्निंग सर, सर उसके लिए ना ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि चोट किस टाइप का है, राइट? क्योंकि अलग अलग तरह का फेस पे चोट लगता है, चोट किस टाइप का है, तो उसके बेस पे फिर हम बता सकते हैं कि उन्हें रेगुलर बेसिस पे क्या यूज करना है, ठीक है? क्योंकि आज जो मैंने एक प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस आप दे सकते हैं, बट उसके साथ आप उन्हें ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि आपको फेडअप होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, वो हल्का हल्का लाइट होगा, आपको एकदम से उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो लाइट होगा जिससे कि वो आपकी स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको ब्लर कर देगा, ठीक है? चोट को ब्लर कर देगा, ये चीज है, बट ये भी जानना जरूरी है कि किस टाइप का चोट है। मैम रौनक डिफाइन करो कैसे चोट लगी। वो सर टीम मैम मीटिंग में ही है, हम उनको भी डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हैं। नेहा मैम जी, ओके नेहा मैम अनम्यूट करो मैम, ये बहादुरगढ़ से है नेहा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताएं। सर आज है ना, मैं से बोला नहीं जा रहा, मेरे स्टिचेज में दर्द हो रहा है ज्यादा। ओके ओके मैम, नेहा मैम इनका ना वो हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? अच्छा। तो स्टिचिंग आया चेहरे के ऊपर। ओके हाँ ओके, तो स्टिचेस के लिए तो सर एज ऑफ नाउ हमारे स्किन फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं एक बार रौनक जी से कहना चाहूंगी कि मैम की क्लियर पिक्चर मुझे शेयर कर देना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊंगी। ठीक है मैम, श्योर मैम, बिल्कुल, मैं आई विल कांटेक्ट यू। ओके सर। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ अनम्यूट कर लो योगेश। सर वेरी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग हिना मैम, बहुत जबरदस्त नॉलेज आज मिला, और स्किन फॉर्मूला जब भी आता है मैं जरूर देखता हूँ, तो बहुत कुछ यूनिक आज नॉलेज आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर सर और हिना मैम आपका। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम, 2009 में मुझे पिंपल्स हो गए थे, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने पीलिंग कर दी थी मेरे फेस की। अच्छा। तो
तो पीलिंग करने से वो जो ओमपुरी की तरह वो गड्ढे से हो जाते हैं फेस पे, कुछ वो गड्ढे हो गए थे। तो अब मैंने पिछले एक लगभग 1 ईयर से मैं फेशियल फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो लगभग 60% वो मेरे फिलअप हो चुके हैं फेशियल फॉर्म यूज करने से जस्ट। ओके, तो ऐसा और क्या प्रोडक्ट मैं यूज कर सकता हूँ मैम जिससे वो बिल्कुल खत्म हो जाए फेस के ऊपर से? अभी आप क्या लगा रहे हो? अभी मैं फेशियल फॉर्म यूज करता हूँ, डे क्रीम यूज करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, फेशियल फॉर्म, उसके बाद डे क्रीम और फिर SPF 40+ नेचुरल वाला। अच्छा, तो आप एक तो डीप क्लींजिंग ऑयल यूज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डीप क्लींजिंग ऑयल स्पेशली इस चीज के लिए भी है जो फेस के ऊपर ओपन पोर्स हो जाते हैं या आपके रोम छिद्र हो जाते हैं, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोइए। और आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है ड्राई है? ऑयली है मैम। ऑयली है तो डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोया, रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट यूज किया, उसके बाद स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम लगाओगे एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एंड SPF 40। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, वेलकम। है ना मैम, ये फेस पे कई बार ना कट लग जाता है कभी, मतलब तो उसका कुछ है क्या? कट लग जाता है? हाँ, स्किन पे कट, जैसे अभी एक हमारे लीडर हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरी स्किन पे कट लगा हुआ है। ठीक है ना अमन, कौन सा कट है बेटा बताओ? सर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। हाँ मैम, फास्ट बोलो। ये कट दिख रहा है ना मैम, ये किसी चीज से कट गया था, लकड़ी से, चोट लगने से। अच्छा, तो ये चोट का ही निशान है आपके? जी मैम। हाँ, तो उसके लिए आप सेम जो आज मैंने प्रोसेस बताया है यूज कीजिए आप। और अगर आपकी स्किन कैसी है, ड्राई ऑयली है? ऑयली है मैम। ऑयली है तो आज वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो यूज कीजिए आप। जी, काफी आपको हेल्प मिलेगी इसमें। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मैम एक राजेश जी बोल रहे हैं, खाना खाने के गर्म तेल उड़कर फेस पर आ गया था तो उसका धब्बा लग गया, चेहरे पे दाग आ गया। गरम तेल खाने, गरम तेल फेस पे आ गया था, उसका दाग आ गया फेस पे। तो ब्राइटनिंग यूज कीजिए सर, ब्राइटनिंग बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन, सर एक छोटा क्वेश्चन और आया है कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पिंपल्स को फोड़ लेते हैं, तो उसके बाद जो उसका निशान रह जाता है मैम, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास? उसके लिए जो ट्रीटमेंट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और आपका ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल जी, फॉर बोथ स्किन टाइप? फॉर बोथ स्किन टाइप अगर, हाँ दोनों स्किन के लिए। हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम एक नवनीत मेहता है वो बोल रहे हैं कि फेस पे काला धब्बा हो जाता है गांव की लेडीज को, ठीक है, तो उसके लिए कुछ है? काला धब्बा, काला धब्बा कैसा? काला धब्बा, एक मिनट मैम, कालापन बहुत अलग टाइप के होते हैं। सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, कईयों के कालेपन में भी नीलापन आता है, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि कालापन कैसा है, कई जेनेटिक तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है जेनेटिक भी। चलो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मतलब इतनी अच्छी आपने ट्रेनिंग दी, मतलब मैं सोच रहा हूं कैसे थैंक बोलूं आपको। निलोकपल जी, गगन जी, ठीक है ना, मैम के लिए एक 30 सेकंड में, ठीक है ना, शुक्रिया अदा। आज गुड मॉर्निंग मैम, आज की ट्रेनिंग बहुत ही वंडरफुल रही, बहुत जबरदस्त रही, और ऐसे ही आप अपना समय हमें देते रहें ताकि हमारे जो लोग हैं वो एजुकेटेड होते रहें, एजुकेशन लेते रहें। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। और मैम सच में आज की ट्रेनिंग आज अल्टीमेट रही, बहुत बहुत नॉलेज मिली हमें आज स्किन फॉर्मूला 9 की, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहां हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आपकी हेल्प से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू मैम। हीना मैम, हीना मैम, हाँ जी, एक लीडर बोल रहे हैं मैम की ट्रेनिंग बार बार होनी चाहिए, ठीक है ना, तो एवरी मंथ, एवरी सॉरी एवरी वीक हम प्लान कर लेते हैं, हर हफ्ते। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।